गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की आपकी वर्कशीट नंबर 40, सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर और जीके। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर लुक लाइक अ टेलीविजन। कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो टीवी की तरह दिखता है, माउस या मॉनिटर? तो आप मॉनिटर पर टिक करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू यूज टू ड्रॉ इमेज ऑन द कंप्यूटर। आप जब कंप्यूटर को यूज करते हैं, जब हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग जब भी लिख करते हैं, जैसे कोई कैट बना रहा है, माउस या फिर ट्री, कुछ भी बनाते हैं हम पेंट पर, तो हम किससे ड्रॉ करते हैं, कीबोर्ड से या माउस से? हम माउस से ड्रॉ करते हैं, आप माउस पर टिक लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प टू रिकॉर्ड वॉइस। हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड किस में कर सकते हैं कंप्यूटर में, माइक्रोफोन या प्रिंटर? देखो बच्चों, प्रिंटर से तो प्रिंट निकलता है, तो हम माइक्रोफोन में करेंगे, ठीक है, इस पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेपर प्रिंटेड बाय द प्रिंटर्स इज कॉल्ड। जो हम पेपर प्रिंट करते हैं उसको हम किससे करते हैं, प्रिंट आउट या प्रिंट कॉपी? हम प्रिंट आउट निकालते हैं हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए डैश इज यूज टू कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर समटाइम्स व्हेन पावर गोज ऑफ। तो स्पीकर या यूपीएस, हम यूपीएस पर टिक लगाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW स्टैंड फॉर। WWW जब हम लिखते हैं ना, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम WW जरूर लिखते हैं। तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ माउस इज यूज टू एट द थिंग्स। हम माउस को किस उसमें, फुल स्टॉप में या पॉइंट में? हम पॉइंट में यूज करते हैं, ठीक है, अ माउस यूज टू पॉइंट एट द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अ कीबोर्ड हेल्प यू टू टाइप। कीबोर्ड को हम किस में हेल्प करते हैं, लेटर में। हम पेपर पे तो नहीं करते, कीबोर्ड से पेपर में थोड़ा ना लिख सकते हैं, मॉनिटर में लेटर पर लिखेंगे, टाइप भी करेंगे ना, कि भाई टाइप किस पे करते हैं हम, कीबोर्ड को लेटर पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, सीपीयू या यूपीएस? सीपीयू होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेस यूनिट? तो आप लगाएंगे ए पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर, माउस में या कीबोर्ड में? आप जब भी टाइप करेंगे तो किससे टाइप करेंगे, माउस से कीबोर्ड से? हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंप्यूटर वर्क ऑन फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी से करता है। ओके, फिर हमारा है जीके का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कलर इन द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं, सैफ्रिन, व्हाइट, ग्रीन। ओके, नारंगी होता है, हरा होता है और सफेद होता है, और बीच में जो चक्र होता है उसमें कलर ब्लू होता है। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। देखो बच्चों, पिंक सिटी हम किसे बोलते हैं, जयपुर को, ठीक है। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, कितनी है यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, हमारे कितने राज्य हैं। देयर आर 20 स्टेट्स, कितने राज्य हैं, 28। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर, 1, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। A figure which with three equal side is called, जो देखो equilateral triangle होगा इसका आंसर, तीन साइड जिसकी इक्वल होंगी ऐसे, इसे बोलेंगे हम equilateral triangle। 5 times 10 equals to, 5 को अगर 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। देन इसके बाद है, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ 44 + 21। 44 + 21 कितना होगा, 4 + 1 = 5, 6, 65 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द ओड नंबर बिटवीन 0 to 10। तो 0 से 10 तक ओड नंबर कौन से होंगे, 0, 2, 4, 6, 8। हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर, 1 आवर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। व्हाट डज द हार्ट पंप, हार्ट क्या पंप करता है, ब्लड, वो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है, किसमें, हमारी बॉडी में। जब जब हमारा हार्ट पंप होता है तब तब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। हाउ मैनी लेयर आर देयर इन द एटमोसफेयर, हमारे एटमोसफेयर पे कितनी लेयर है, 5, ठीक है। व्हाट इज द साउंड मेड बाय द फ्रॉग, मेंढक कैसी आवाज निकालता है, क्रॉक 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 क्रॉक, है ना। विच टाइप ऑफ प्लैनेट इज मनी प्लांट, वो विच टाइप ऑफ प्लांट इज अ मनी प्लांट, कौन सा है, क्लाइंबर्स। व्हाट डज द काउ गिव अस, काउ हमें क्या देती है, मिल्क देती है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट
अवर ब्रेन। कौन सा पार्ट है हमारा जो हमारे शरीर में ब्रेन को मतलब कि रक्षा करता है? स्कल। स्कल जो है वो हमें बचाता है किसी भी अगर हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो उसमें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।